तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं नेजुका-चान फ्रॉम डीमन स्लेयर, वो भी डीमन फॉर्म में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब करो या मत करो पर लाइक जरूर कर देना, और जो भी ना करे उसकी अंटी मंडी संडी। वैसे तो नेजुका को मैंने पहले भी 4 से 5 बार ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन डीमन फॉर्म में मैंने आज तक ड्रॉ नहीं किया था। और एक बार जब मैंने नेजुका को साड़ी में ड्रॉ किया तो उस पर काफी अच्छे खासे व्यूज आए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार नेजुका को ड्रॉ करते हैं, पर इस बार डीमन फॉर्म में। जब भी मैं हल्की लाइंस बनाता हूँ तो मेरा कैमरा इतना शानदार है कि वो उनको रिकॉर्ड ही नहीं करता, इसीलिए मुझे सारी लाइंस को दोबारा से डार्क करना पड़ता है। इसीलिए एक्चुअल में जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ वैसी तो कैमरे में दिखती ही नहीं। सारे कलर्स या तो बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं। वैसे रिसेंटली डीमन स्लेयर की एक मूवी आई है, अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे सजेस्ट करना क्या वो मुझे देखनी चाहिए। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे गिबली स्टूडियोज या फिर मकोते शिनकाई वाली जो मूवीज थी उनके कैरेक्टर्स और वो सीन्स ड्रॉ करने चाहिए। तो ये बस मेरा सजेशन है, पर आपका जो भी सजेशन हो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो वही ड्रॉ करना है जिसपे मेरे को अच्छे खासे व्यूज आए। तो आप लोगों को जो पसंद हो वो मेरे को बता देना, वो मैं ड्रॉ कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमारी नेजुका की आउटलाइन हो चुकी है, अभी मैं इसमें कलरिंग करने वाला हूँ। वैसे तो एनिमे ड्रॉइंग में कलरिंग से पहले फाइन लाइनर या मार्कर या फिर बॉल पेन से आउटलाइन करते हैं, पर वो पार्ट मैं स्किप करता हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग लगता है। इसमें मैं सीधा वाटर कलर से ही कलर करूँगा, लेकिन आइज़ के लिए मैं मार्कर और जो पेंसिल कलर है वो यूज़ करूँगा। मैं आइज़ में भी वाटर कलर कर सकता था, लेकिन फिर सूखने में थोड़ा टाइम लेता और मैं इसकी स्किन में भी कलर नहीं कर पाता, इसीलिए आइज़ के लिए मैंने यहाँ पर अल्कोहल मार्कर और पेंसिल कलर यूज़ किया है ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो सके। पर्सनली मुझे अल्कोहल मार्कर इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीप अल्कोहल मार्कर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड होते हैं, या फिर हो सकता है मुझे कि इतना आइडिया नहीं है कि अल्कोहल मार्कर्स को कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि अल्कोहल मार्कर्स जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और हर कोई इन्हें परचेज़ नहीं कर सकता है। और तीसरा रीज़न ये है कि आजकल हर कोई आर्टिस्ट अल्कोहल मार्कर ही यूज़ कर रहा है, ऐसे काफ़ी कम आर्टिस्ट हैं जो कि वाटर कलर यूज़ करते हैं। वाटर कलर कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ते भी होते हैं, उनका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। पर अगर आप जानना चाहते हो कि वाटर कलर को इस तरह से कैसे यूज़ करें, तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है ट्यूटोरियल के साथ, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। या स्किन के लिए जो मैं पिंकिश कलर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है कोरल, और ये फेवर कैसल ब्रांड का है, और आई थिंक वो 24 कलर का सेट मुझे अराउंड 500 का पड़ा था, और उससे मैंने ऑलरेडी 100 ड्राइंग्स पेंट कर दी हैं, और अभी शायद मैं उनसे 200 के आसपास और पेंट कर सकता हूँ। कलर टू वाटर रेशियो रहेगा 1:20, यानी कि 1 पार्ट ऑफ कलर एंड 20 पार्ट ऑफ वाटर, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्यूटोरियल के साथ समझाया हुआ है, आप वो ज़रूर देखिएगा। वाटर कलर करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी डार्क कलर है वो आपको सबसे लास्ट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर डार्क कलर के साथ आपने कुछ गड़बड़ की तो उसे अंडू नहीं कर सकते। तो डार्क कलर आप तभी यूज़ करो जब आपको उसमें कोई और लाइट कलर यूज़ नहीं करना है, सबसे आखिर में आपको डार्क कलर यूज़ करना है। जैसे मैंने स्किन में पूरी तरह से कलर करने के बाद ही मैंने आईब्रोज और आईलैशेस में कलर किया है। मैंने पूरी ड्राइंग के लिए वेट ऑन ड्राई मेथड का यूज़ किया, लेकिन मैं इसके हॉर्न के लिए वेट ऑन वेट मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने वाटर से इसके हॉर्न को वेट कर दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर एक वेट रेडिश पिंक कलर यूज़ करने वाले हैं ताकि जो इफ़ेक्ट मुझे देना था वो मुझे मिल पाए। अभी मैं स्किन पे सेकंड लेयर अप्लाई करने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने वो सेम कोरल कलर यूज़ किया है, लेकिन मैंने इस बार पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ कलर एंड 10 पार्ट ऑफ वाटर, और इससे मैं यहाँ पर शेडो इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। हमारी ड्राइंग देखने में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल्स के बाद ये और भी शानदार लगेगी। तो यहाँ पे मैं एक पतले पेंट ब्रश के साथ आईब्रोज और आईलैशेस को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ब्लैक वाटर कलर को यूज़ करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना ये आपकी पूरी ड्राइंग को ख़राब कर देगा। एक बार को अगर ब्लैक के अलावा कोई और कलर होता तो हम वेट ब्रश के साथ उसे रिमूव कर सकते या फिर वेट टिश्यू के साथ रिमूव कर सकते, लेकिन ब्लैक कलर को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली हमने यहाँ पे कुछ फूल पत्तियाँ भी ड्रॉ करती हैं जो कि डीमन फॉर्म नेजुका में होती हैं। लास्ट में मैंने हाइलाइट्स के लिए वाइट पेंट का यूज़ किया है, आप चाहो तो वाइट जेल पेन या फिर वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हो। यूजली हाइलाइट्स हम ऐसी जगह बनाते हैं जो शाइनी या स्मूथ हो, तो मैं यहाँ पर आइस और बलून्स पे मैं हाइलाइट देने वाला हूँ, एंड यस सम हाइलाइट्स ओवर दिस पीस ऑफ बैम्बू एज वेल। तो ये कुछ छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो आपकी ड्राइंग को बाकी के लोगों से थोड़ा अलग बनाती हैं और आपकी ड्राइंग देखने में आउटस्टैंडिंग लगती है, तो ये डिटेल्स मिस नहीं कर सकते।
वेल, तो ये हमारी फाइनल ड्राइंग है और मैं इसके हेयर अभी तक कलर नहीं कर पाया क्योंकि इतना करते करते ही शाम हो गई। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और बताना कि नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या ड्रॉ करूँगी।